आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही वड़े की रेसिपी। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम 2 कटोरी उड़द दाल लेंगे। अब इसे हम साफ पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे। इसे मैंने 4-3 पानी से धो लिया है। अब इसे हम आप इसे 3 से 4 घंटे तक भिगोकर रख सकते हैं, लेकिन मैं गर्म पानी डालकर इसे आधा घंटे ही भिगोऊंगी। दाल अच्छी तरह से डूब जानी चाहिए, इतना हमें पानी इसमें ऐड करना है। अब इसे हम मिनिमम आधा घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब हम दाल को चेक कर लेंगे। ये हमारी दाल फूलकर परफेक्ट रेडी हो चुकी है। हमने 2 कटोरी दाल ली थी, इसकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है। अब इसमें हम जो एक्स्ट्रा पानी है पहले उसे निकाल लेंगे। ये हमने सारा पानी निकाल कर इसे छान लिया है अच्छी तरह से। अब हम इस तरह से बड़ा मिक्सी जार लेंगे। अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा कर इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसे हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमें इस तरह का दरदरा पीस लेना है, बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि अच्छी तरह से नीचे से भी ये पीस जाए। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पानी डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा, हमें इतना गाढ़ा बैटर चाहिए। इसी तरह से हम बाकी भी पीस लेंगे। पीस लिया है, इस तरह का बैटर हमें चाहिए। अब इसे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे हमें हाथों की मदद से अच्छी तरह से फेंटना है। ये बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए जब तक हमें इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में चलाते रहना है। इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करने से इसमें हवा भर जाएगी। ये इसमें अब हवा भर चुकी है। अब ये रेडी है कि नहीं उसे हम चेक करने के लिए एक बाउल लेंगे। बाउल में हम थोड़ा पानी डाल लेंगे और इसमें से थोड़ा सा बैटर लेकर चेक कर लेंगे। ये फ्लो होने लगा है, इसका मतलब हमारा बैटर परफेक्ट। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे हम साइड में रखेंगे
और पानी की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हम करीब आधा लीटर के करीब पानी लेंगे और इसके अंदर हमने दो पैकेट जलजीरा लिया है, ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। एक छोटी चुटकी हींग डालेंगे और इन पानी में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पानी रेडी हो चुका है, अब इसे हम साइड में करेंगे। अपना हाथ थोड़ा गीला कर ले और हमने जो बैटर बनाया है उसमें से हम जो पकोड़े फ्राई करते हैं उस तरह से हम थोड़ा थोड़ा घोल लेकर तेल में फ्राई कर लेंगे। इसे हमें हल्की मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। आप जो साइज छोटी बड़ी साइज आप कोई भी अपने हिसाब से साइज कर सकते हो। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर कुक होने देना है। इसमें बीच बीच में इसे चलाते रहे ताकि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक कुक हो जाए। ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे और जो हमने पानी रेडी किया था ये हम डायरेक्ट उसी में ही डाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम हल्के मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसे फ्राई कर कर भी रख सकते हो, जब आपको सर्व करना हो तब आप पानी के अंदर डालकर 2 घंटा रहने दे, उसके बाद आप जब आपको सर्व करना है तब कर सकते हो। ये भी फ्राई हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे पर इसे अभी हम पानी में ऐड नहीं करेंगे, जब हमें सर्व करना होगा उसके 1 घंटे पहले हम पानी में डुबो देंगे। इसे 2 घंटे हो चुके हैं, अब इसे हम इसमें से पानी सब निचोड़ कर ले लेंगे। इसमें सारा पानी सोख लिया है, अभी हम इतने ही सर्व करेंगे। अब इसके अंदर
हमने ये घर का बनाया हुआ फ्रेश दही लिया है। दही को हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम ये जो इमली की चटनी बनाई है वो इस पर ऐड करेंगे। अब हमने जो ये जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है वो हल्का स्प्रेड करेंगे और लाल मिर्च, आपको तीखा जितना चाहिए उतना आप कर सकते हो। ये रेडी हो चुके हैं हमारे दही वड़े। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई रेसिपी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।